वेलकम टू आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग टूल्स मेनू के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एक एक टूल का यूज करके दिखाएंगे और उसके कुछ कुछ फंक्शन को भी समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टूल्स के बारे में। देखिए इसमें जितने भी टूल्स है सभी का यूटिलाइज अलग अलग पर्पज से कर सकते हैं आप, उसको मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो टूल बार आप देख रहे हैं इसका ऑप्शन है ये, यानी कि इससे और भी रिलेटेड आप इसके फंक्शन को यहाँ से कर सकते हो। चलिए पहला टूल देखिए, मार्क्यू टूल है। अगर आप कीबोर्ड से एम सेलेक्ट करेंगे तो भी मार्क्यू टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो इसके और भी टूल्स आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, अगर आप इसको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस टूल का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें इस पे इलिप्टिकल टूल का यूज करना तो आप इलिप्टिकल टूल का यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो आप जो भी टूल यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए सिंगल मार्क्यू टूल है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप, इधर चाहो तो यूज कर सकते हो, जहां चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर यूज कर लिए आप, ये हो गया। अब मैं आपको यूज इसका दिखाता हूँ। जनरली इसमें दो टूल का यूज होता है, देखिए कैसे इसका यूज किया जाता है। मैं चाहता हूँ इसका सिलेक्शन लेने के बाद ये पार्ट मुझे कहीं कॉपी करना है, तो या कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी कर लीजिए, कॉपी हो गया, एक नया सीट मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद हम चाहते हैं कि अपना जो भी साइज सेलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, व्हाइट बैकग्राउंड है, ओके कर दिया। इसको मैं व्यू में जाके फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ, देखिए हमारा फिट ऑन स्क्रीन हो गया। अब यहाँ से जनरली हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल भी इसको पेस्ट किए, तो देखिए इस तरह जो हम लोग सिलेक्ट किए थे ये हमारा यहाँ पे आ गया। आप इसे कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। इसका रिजोल्यूशन हाई होने के चलते आपको ये इस टाइप का फोटो दिख रहा है। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। तो हमको इस टाइप का सिलेक्शन चाहिए था तो मैंने इस टूल का यूज किया और इसको मैं इंटर करके अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ नीचे ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो गया है। चलिए मैं इसको फिर छोटा कर ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ इस फोटो का सिलेक्शन दूसरे अंदाज में करूँ, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल के अंदाज में, तो मैं इसको देखिए यहाँ से इलिप्टिकल के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे हम इसको आप चाहे तो एरो की के सहायता इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, या चाहो तो आप कंट्रोल एक्स करके कट भी कर सकते हो। अब फिर मैं चाहता हूँ इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, तो कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब फिर कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, अपने आवश्यकता अनुसार इसको मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट कर दिया। देखिए अब एक ही फोटो है, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार जैसी सिलेक्शन चाहिए है आप उसके अनुरूप आप अपना काम को कर सकते हैं। एक नया सीट में फिर से यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नया सीट एक ओपन कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्शन है मैं टूल्स के सहायता से यहाँ पे लेके आ जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए एक मूव टूल है, मूव टूल पे क्लिक कीजिए, इसके बाद इसको यहाँ से जनरली ड्रैग कर दीजिए माउस की सहायता से। देखिए ये फोटो आपके यहाँ पे मूव हो गया, ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे चलिए मैं फिर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब जो मेरा ओरिजिनल फोटो है इसके ऊपर मैं आपको कंट्रोल डी से देखिए डी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ इसका जो सिलेक्शन था। अब इसके आगे देखिए टूल है, ये टूल जनरली फोटो कटिंग करने के लिए काम किया जाता है, लासो टूल, पॉलीगोन लासो और मैग्नेटिक लासो। लासो टूल पे मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखिए हम इसको लासो टूल की सहायता से इसको यहाँ से फोटो को काटना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोई फीडर यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से कोई फीडर सेट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग इस फोटो को काटेंगे। अब जनरली हम लोग माउस का पॉइंटर को प्रेस करके रखेंगे और इसको इस तरह से करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से इस तरह से, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे लाके मैं इसको प्लेस कर दिया। देखिए इस तरह का हमारा ये सिलेक्शन हो गया। अब चाहो आप तो इसे दूसरे मेनू एक खोल रहे हो, पेज नया कर दिया मैंने यहाँ से। फिर मैं चाहता था कि जो मेरा ये सिलेक्शन है मैं अपना ये सिलेक्शन जो है यहाँ पे मूव कर दूँ, यहाँ पे मैं इस टाइप का सिलेक्शन यहाँ पे मूव मैंने यहाँ से कर दिया। देखिए मैंने यहाँ से इस सिलेक्शन पे इसको मूव कर दिया। आप चाहो तो इसको कटिंग कर दे सकते हो, तो कटिंग करने के लिए भी देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर दिया। चलिए मैं आपको फिर से नया लेके आता हूँ। अब देखिए इसमें जो पॉलीगोन लासो टूल है, आप पॉलीगोन लासो टूल का भी यूज कर सकते हो। ये देखिए ये एक
क्लिक करके आप माउस से एक एक बार छोड़ दो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे काम कर रहा है। आप इसकी सहायता से भी काट सकते हो। बस इस टूल में सिर्फ ध्यान ये देना है कि आप जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वहाँ पे लाके इसको क्लिक करोगे तो ये एंड पॉइंट, तो यहाँ से ये सिलेक्शन बनाने का काम करता था। जनरली हम लोगों के पास यहाँ देखिए सिलेक्शन के लिए दो चार टूल यहाँ से दिए हुए हैं, लेकिन ये एक सीमित है, आप इसे अपने हिसाब से नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन ये टूल के अनुसार जो लासो टूल के अनुसार आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। यहाँ से कर लिया, फिर यहाँ से मूव टूल का सिलेक्शन किया और हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करके अगले पेज में लेके चले आए। देखिए हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं फोटो को और उसको बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल क्या है, एक सिमिलर कलर पे देखिए आपका सिलेक्शन बनाता चले जाएगा। बस आप एक माउस से क्लिक करो, आपको आसानी से ये सिमिलर कलर का सिलेक्शन करता चला जाएगा। ये जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से ये सिलेक्शन वाला काम हो गया। आप चाहो इसको फास्ट भी इसमें काम करके फोटो को कटिंग कर सकते हो। ये बहुत आसानी से आप किसी भी फोटो को काट के आसानी से इस पर काम कर सकते हो। मैंने इस टूल से इस पे ऊपर सिलेक्शन बना लिया है। अब मूव टूल की सहायता से मैं इसको इस फोटो को यहाँ से मूव करा भी सकता हूँ। देखिए मैंने इसको फोटो को मूव कर दिया। तो आप जितनी बारीकी से काम करोगे उतनी अच्छे आपके फोटो में फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो चलिए ये देखिए एक है मैजिक वाइंड टूल। जनरली ये बैकग्राउंड फोटो का चेंज करने के लिए होता है। मान लीजिए आप कोई स्टूडियो में फोटो बना रहे हो, आप चाहते हो कि बैकग्राउंड कलर व्हाइट कोई फॉर्म भरने में मांग रहा है या कोई व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता, उस समय आपको इस टूल का यूज पड़ेगा जो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। चलिए जैसे मैं एक फोटो ले रहा हूँ तो ये जो टूल है ये एक कलर पे काम करता है। जैसे इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट करोगे जहाँ तक एक कलर रहेगा वो कलर सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप इजिली फिर इसको क्या कर सकते हो, डिलीट करके अपना कोई भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो जनरली अब देखिए हम लोग इसको करते कैसे हैं, ये वाला सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सिमिलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और इस माउस से हम लोग इस पर सिलेक्शन करते जाएंगे। जैसे ही सिलेक्शन कर रहे हैं देखिए जो भी हमारा कलर है वो सिमिलर वो सिलेक्ट हो जा रहा है। तो हमारा ये कलर सिमिलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ और भी सिलेक्शन हो गया, तो हम लोग इसे अल्ट कंट्रोल जेड से इस सिलेक्शन को हम लोग बैक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ तक सिलेक्शन हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड व्हाइट रखना, तो यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया व्हाइट रेड जो भी चाहते हैं आप कलर सिलेक्ट कर लो। कलर सिलेक्ट करने के बाद आप इजिली यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो वो कलर देखिए चला गया है। तो आप फिर से चाहो तो एक एक करके भी यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट करके आप अपना कलर फिल कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि कोई और कलर सिलेक्ट हो तो आप उसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मैजिक वाइंड टूल है, इसका यूटिलाइज करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। चलिए इस टूल का देखिए मैंने यहाँ से एक फोटो ओपन कर लिया। अब इसके बैकग्राउंड चेंज करने हैं हमें, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जो भी एक सिमिलर कलर था वो कलर क्या हो गया यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। तो अब मैं चाहूँ इसका बैकग्राउंड कलर को जो कलर करना चाहता हूँ आप अपना आवश्यकता अनुसार यहाँ से कलर को सिलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं। तो ये फोटो में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी फोटो खींच रहे हो कैमरा से तो वो फोटो में आपको ध्यान रखना है कि जो बैकग्राउंड कलर है उसके जो कलर है कपड़े का वो कलर से डिफरेंट कलर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए आप ये फोटो मुझे मान लीजिए कि पासपोर्ट साइज बनाना है, तो सबसे पहले मैं इस फोटो की साइज को कटिंग कर लेता हूँ। चलिए ये फोटो यहाँ से क्रॉप है, यहाँ से मैं इस फोटो का साइज को कट कर ले रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया है, अपने आवश्यकता अनुसार इसे एडजस्ट कर दिया, कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं इस फोटो को जो है फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट ऑन स्क्रीन करने के बाद देखिए अब इसके कल फोटो के बैकग्राउंड को हमें चेंज करना है। तो मैजिक वाइंड टूल पे सिलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया, देखिए यहाँ से इतना सिलेक्शन हो गया। अब चाहता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड कलर लगाना, तो मैं यहाँ से इसके फोटो के बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद ओके किया, जैसे ही डिलीट बटन दबाऊंगा देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर इस पर लग चुका है। तो आपके पास पहले एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, अगर आप कोई फोटो खींच रहे हो तो उसके डिफरेंट बैकग्राउंड वाले क्लॉथ उसके पीछे आप पहले से लगा दो, ताकि आपको इस टूल की जो मदद लोगे आप इससे अच्छे जल्दी से काम कर पाओगे। ये क्रॉप टूल हो गया। अब इंटरनेट पर बहुत सारा फोटो होता है जो कि फोटो बड़ा फोटो होता है,
तो उसको इंटरनेट पे जब अपलोड करना होता है तो वो फोटो के पार्टीशन को अपलोड करना रहता है। तो मैं इस फोटो को भी फिट ऑन स्क्रीन पहले कर ले रहा हूँ, तो इस फोटो को अपलोड होने में परेशानी नहीं हो। तो यहाँ नाइफ टूल से पहले फोटो को क्या करता है, स्लाइस इफेक्ट डाल दिया जाता है, यानी कि फोटो को काट दिया जाता है कुछ पार्ट्स में। तो इसको कुछ पार्ट्स में काट दिया जाता है फोटो को, जब इंटरनेट पे अपलोड करना होता है तो इस फोटो को सेव करना पड़ता है, तो ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तब इंटरनेट पे जो अपलोड होते हैं ये फोटो आपके जल्दी से अपलोड हो जाते हैं, और ये फोटो सारा अच्छे से दिखते भी हैं इंटरनेट पे, और आपका ये फोटो का रिजोल्यूशन भी खराब नहीं होता। उस सब सिचुएशन पे ये टूल का आप लोग यूज करते हैं। तो ये टूल यूज करने के बाद जब फोटो सेव करते हैं तो इसको हम लोग सेव फॉर यहाँ पे वेब करते हैं। देखिए सेव फॉर वेब जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये HTML के फॉर्मेट में हम लोगों को सेव करने का ऑप्शन देगा। देखिए ये फोटो जो हम लोग किए थे जनरली, ये फोटो हमारा यहाँ से क्या हो गया है, बहुत सारे हिस्सों में ये कट गया है। जब यहाँ पे हम लोग जनरली इस फोटो को सेव करेंगे तो ये हमें एक पार्टिकुलर इसको HTML यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग पार्टिकुलर एक इसके लिए फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर बन रहा है। जैसे ही फोल्डर बना, कुछ नाम इसका मैंने दे दिया, इसके बाद क्लिक किया इसके फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से मैं इसको सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये सेव हो गया, ये फोल्डर फोटोज में आ गया। फोटोज में एक नया फोल्डर था, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक इमेज फोल्डर है बन गया। इसमें देखिए ये फोटो, देखिए कितने सारे पार्ट में ये क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। मैं यही चीज बताना चाह रहा था, यहाँ पे स्लाइस टूल का जनरली यही यूज होता है। चलिए आते हैं हम लोग फोटोशॉप पे। अब फोटोशॉप पे देखिए यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल और एक पेस्ट टूल। देखिए इसका यूज कैसे होता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। चलिए मैं इस फोटो को कट कर दे रहा हूँ और एक कोई नया फोटो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से एक कोई नया फोटो ओपन कर लिया, और इसके बाद मैं इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए फिट ऑन स्क्रीन मैंने इस फोटो को कर दिया। अब देखिए मान लिया जाए कि मैं इस फोटो को पहले कुछ खराब कर दे रहा हूँ। चलिए मैं इस फोटो को पहले कुछ दाग धब्बे इसमें डाल दे रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ से पेंसिल टूल का सिलेक्ट कर रहा हूँ, पेंसिल या ब्रश टूल लिया मान लिया, यू ले लिया मैंने इस पे मान लिया, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। ये फोटो थोड़ा सा मान लीजिए कि इसमें मॉल है, आप इसको इस तरफ मान लो। यहाँ ब्रश टूल का भी देखिए आप यूज भी समझ जाइएगा, ब्रश टूल ले लीजिए, आप यहाँ से ब्रश कर दीजिए इसको। देखिए जो भी कलर यहाँ फोरग्राउंड में सिलेक्ट होगा आपका, वो कलर यहाँ पे आएगा। तो चलिए फोरग्राउंड कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं, और ये कलर हम लोग यहाँ से चलिए ले लेते हैं। जनरली देखिए ये यहाँ से मैंने ले लिया। तो ये फोटो पे मान लीजिए कि बहुत सारे दाग धब्बे हैं, इसको साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम इस फोटो को पहले बड़ा कर लेते हैं। फोटो को बड़ा करने के लिए पहले जूम टूल लिए, जूम टूल से फोटो को बड़ा कर लिए। अब देखिए मान लीजिए कितने सारे चेहरे पे दाग आ गए हैं, तो इसको साफ करना है फोटो को, तो कैसे करेंगे चलिए आपको पहले दिखाता हूँ। एक टूल है इसके अंदर पैच टूल। पैच टूल से देखिए क्या है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको खींच के मैं दूसरी जगह रख दूंगा। देखिए ये वहाँ से क्या हो गया, कलर जो था मॉल या कलर जो भी जो खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो भी इस पार्ट को कवर करना है आपको प्रॉपरली इसका कवर करना है, ताकि ये जो कलर पे ले जाके छोड़ेंगे वही कलर यहाँ पे आके यहाँ पेस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो जनरली हम लोग इससे इसका साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है, और ये स्टूलों का आप लोगों को अच्छे से बार बार यूज करना है। यूज करते करते आप इस टूल के अच्छे से यूज कर पाओगे, और धीरे धीरे आप सारे कमांड को भी सीख जाओगे। चलिए ये बच्चे के यहाँ पे गाल पे जो आप दाग देख रहे हैं, इस दाग को हटाना है। तो इसमें देखिए एक जो आइकॉन है हीलिंग ब्रश टूल का, इस पर क्लिक करोगे, ये देखिए जस्ट लाइक एक बैंडेज है। तो ये काम कैसे करेगा, तो हमें इसके बगल से कलर उठाना है और इसके ऊपर डालना है। तो हम लोग ये अल्ट से उठाएंगे, देखिए कर्सर का जो शेप था वो बदल गया। अब यहाँ से हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर अब हम इसके ऊपर जाएंगे, इसको हल्का सा बैंडेज के साइड में देखिए इसके ऊपर चिपका दिया, तो ये क्या हो गया, ऐसे कलर चला गया उसका जो डॉट था।
तो ये एज अ बंडेज है जो कि बगल से कलर उठा के पिक करके उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है, ये काम इसका होता है। और पेंसिल कलर का है, देखिए पेंसिल ब्रश टूल है, आप चाहो तो ये यहाँ से कोई भी फोटो कलर है यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहे हो आप, ठीक है, ओके कर दे रहे हो, तो आप जनरली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ये पेंसिल का हो गया और यहाँ पे ब्रश टूल था, ये पेंसिल है, आप पेंसिल में इस टाइप का लिख सकते हो। और इसके बाद देखिए दो ऑप्शन है, और ये क्लोन स्टाम्प टूल का, क्लोन का मतलब क्या होता है, एक डुप्लीकेट बनाना, जैसे क्लोन पे स्टाम्प पे टूल के क्लिक किया, मैं चाहता हूँ कि इसका ये फोटो यहाँ एक डुप्लीकेट हो जाए, तो यहाँ पे सिलेक्शन किया, अल्ट दबाऊंगा, देखिए हमारा कर्सर का जो शेप था बदल गया, और यहाँ से फिर माउस को ड्रैग करके यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया। अब जैसे ही ये मैं यहाँ पे नाक के ऊपर इसका एक कर्सर का पॉइंटर देखिए प्लस बन रहा है, वो जहाँ जहाँ मूव करेगा ये सेमी फोटो यहाँ पे भी ये बनता चला जा रहा है, आप जिस पार्ट में लेके जाओगे उस पार्ट में वो एक फोटो क्रिएट होता जाएगा, प्लस साइन जिस एरिया में रहेगा वो उसका सिलेक्शन वहां से उतना हो जाएगा। तो एक यहाँ से हम लोग फोटो का क्लोन बना लिए हैं। चलिए फिर इस फंक्शन जो था इसको मैं यहाँ से रिवर्ट करके ओरिजिनल फोटो पे ले आ रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ एक ओरिजिनल फोटो ले आया है। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे एक फंक्शन है पैटर्न स्टाम्प टूल। ये पैटर्न स्टाम्प टूल से क्या होता है कि आपका फोटो जो बना है यहाँ पे पैटर्न में बन जाता है और आप पैटर्न फोटो का बना सकते हैं। तो पैटर्न टूल का जो हम लोगों का ये यूज है, तो यहाँ से हम लोग एक पैटर्न है, ब्रश है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक यहाँ पे पैटर्न में जो सिलेक्ट रहेगा ये मान लीजिए सिलेक्ट है, तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यह एक पैटर्न इस फोटो में आता जाएगा। आप जिस टाइप का पैटर्न चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बना सकते हो। आप फोटो में चाहो बैकग्राउंड डिलीट करना चाहते हैं, अपना एक अलग पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। तो एक फोटो का बैकग्राउंड भी आप अलग लुक दे सकते हो, या चाहो तो आप अपने फोटो को एक पैटर्न के रूप में भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। आप पैटर्न को यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद इसको डिलीट भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे ये सारे पैटर्न हो गया, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप इसको करके देखेंगे तो जैसा करेंगे आपको ऐसा इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। एक एक करके आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो देखिए इसके टोपी का जो कलर है आप इसमें एक अच्छा पैटर्न फिल कर सकते हो, तो एक अच्छा इसको लुक भी दे सकते हो। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार पैटर्न को भी यहाँ से बना सकते हो, इसका इतना ही यूज है। और इसके बगल में देखिए एक है हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे ओपेसिटी बढ़ा लो, आप फोटो के ऊपर जो भी काम किए हो आप चाहो तो इसका इफेक्ट को हटा सकते हो, मतलब जो रियल फोटो था वो आप ला सकते हो, तो या आप एक क्लिक से भी इसको ला सकते हो। इसके नीचे देखिए एक आर्ट हिस्ट्री ब्रश है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, इसमें वाटर इफेक्ट डाल सकते हो, आप अलग अलग टाइप के फोटो पे इफेक्ट भी डाल सकते हो। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 यानी कि टोटल 10 टूल हम लोग यहाँ पे बताए हैं इसके बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारे भी टूल्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।